Students, today I am going to teach you figures of speech. So, what is figures of speech? जिस तरीके से ornaments या आभूषण ladies को decorate करने में मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से poetry, poem या sentence को decorate करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक सिमली. सो व्हाट इज सिमली? व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इन विच एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन इन बोथ, इट इज कॉल्ड सिमली. जब हम दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं और उनमें कम से कम एक पॉइंट दोनों में कॉमन रहता है, इस टर्म को हम अंग्रेजी में सिमली कहते हैं और हिंदी में इसको उपमा कहते हैं. एग्जाम्पल देखें आप लोग. हर फेस इज लाइक the moon. Her face is like the moon. Simply देते समय as, like और so word का प्रयोग करते हैं. As का प्रयोग करते हैं, like का प्रयोग करते हैं, so का प्रयोग करते हैं. यहाँ देखिए आप, her face is like the moon. उसका चेहरा चांद के समान है. आप Venn diagram से भी क्लियर कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर क्या है? फेस है. यहाँ पर क्या है? मून है. और दोनों में एक चीज कॉमन है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटी. ब्यूटी. तो यहाँ पर हर फेस इज लाइक द मून है, उपमा है, क्योंकि इसमें दो भिन्न ऑब्जेक्ट की हमने कंपेरिजन किया है. दोनों में एक पॉइंट कैसा है? कॉमन है. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. विलियम Words what? यहाँ पर देखिए, I wandered lonely as a cloud. मैं ऐसे घुमा करता था बिना उद्देश्य के, जिस तरीके से बादल घुमा करते हैं. तो ये विलियम वर्ड्स करते सिंगली दी है. और life is like a dream. जीवन है एक सपने के समान. तो यहाँ पर भी दो भिन्न ऑब्जेक्ट की तुलना की गई है और दोनों में एक पॉइंट क्या है? कॉमन है. इस टर्म को हम सिमली कहते हैं या इस टर्म को हम उपमा कहते हैं. थैंक्स. सी यू टुमारो.